हमने एक बॉल में 5 से 6 मीडियम साइज के उबले हुए पोटैटोज ले रखे हैं। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून जीरा और आधा छोटा चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये खटाई का मसाला फ्रेंड्स हमने इससे बनाया है, ये हमने आम की खटाइयाँ बना रखी हैं। ये खटाइयाँ साल भर तक स्टोर करके रखी जाती हैं जब आम का समय होता है, तो इसमें ये जो मसाले निकलते हैं इसी को हमने 2 बड़े चम्मच कलेक्ट किया था जो कि इसमें मिक्स कर दिया है। खटाई के मसाले में चूंकि सारे मसाले डले होते हैं, साथ में नमक और हल्दी और तेल भी डला होता है, फिर भी हम यहाँ पर हल्का सा नमक ऐड करेंगे ताकि जब हम कचौरियाँ बनाएं तो नमक कम ना लगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, साथ ही सारे आलूओं को भी मैश कर लेंगे। आलू भी अच्छे से मैश हो गई है और इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमारी कचौरियों की स्टफिंग तैयार हो गई है, इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हमने एक बड़े प्लेट में गेहूं का आटा रख रखा है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, आप चाहें तो घी या कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम इनका मोयन कर लेंगे अच्छी तरह से, ऐसे मसल मसल के, ताकि कचौरियां बिल्कुल खस्ता बन सके। लगभग 2 मिनट लगा, हमारा मोयन बहुत अच्छे से बन गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल वाटर ऐड करके इसे गूथ लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूथते हैं। हमारा आटा बहुत अच्छे से गूथ गया है। अब हम इस पर ऑयल की हल्की सी एक लेयरिंग कर देंगे चारों तरफ से और फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने को छोड़ देंगे। दस मिनट हो गए हैं, आटा सेट हो गया है। अब हम आटे की लोइयां बना लेंगे। इतनी छोटी छोटी लोइयां हम सारे आटे की बना के रख लेंगे। हमने सारी लोइयां बनाकर रख ली हैं, 7-8 लगभग। अब हम एक लोई को इस तरह से छोटा बेल लेंगे। आप चाहें तो लोई बेलने के लिए जो है सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो हमने जो स्टफिंग बना रखी थी उसको इस तरह से फिल कर लेंगे। अब आप ये स्टफिंग अगर ज्यादा भरवा खाने हैं तो आप ज्यादा स्टफ इसमें डालिए और नहीं तो मीडियम डालिए, जैसे कि 1 चम्मच तक। अब हम इसके किनारों को इस तरह से दबाते हुए यूं करके पोटली बना लेंगे। ये हमारी पोटली बन गई है। ये जो अगर एक्स्ट्रा आटा ज्यादा हो तो इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसी में ऐसे दबा देंगे और इसे हल्का सा दबाते हुए हम इस तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से सारी कचौरियों की फिलिंग कर करके हमें इसे बेल के रख लेना है। अब हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं, मैंने यहां पर कुकिंग ऑयल लिया है और उसे तेज आंच पर गर्म कर रही हूं। अब हम ऑयल में एक छोटी सी लोई डालकर चेक कर लेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम पर कर देंगे ताकि पूरियां अच्छे से क्रिस्पी बन सके। पूरियां नहीं, यहां पर हम स्टफ्ड कचौरियां बना रहे हैं तो हमारी कचौरियां अच्छे से तल सके, उसके लिए हमने फ्लेम को मीडियम कर रखा है और कचौरियों को दोनों साइड से उलट पलट कर हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कचौरियां बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब हम इन्हें एक एक करके ऑयल से बाहर निकाल कर एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू एब्जॉर्ब कर लें और बाकी की कचौरियाँ भी हम इसी तरह से तल लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए
और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।